अभिषेक के जाने पर फूट फूट कर रोए आयशा, विक्की और अंकिता। बिग बॉस ने मारा अंकिता को ये टॉन्ट। वेल, सलमान खान का शो बिग बॉस सीजन 17 के वीकेंड के बार एपिसोड में हमें देखने को मिला बिग बॉस घर के सभी कंटेस्टेंट को मोहल्ले में बुलाते हैं समर, तीशा और अभिषेक के बीच में हुई लड़ाई को डिस्कस करने के लिए। वेल, यहाँ पर बिग बॉस अभिषेक के रहने की कमान अंकिता के हाथों में देते हुए नजर आते हैं, क्योंकि अंकिता इस वक्त घर की कैप्टन है। बिग बॉस अंकिता से सवाल करते हैं कि अभिषेक ने जो किया वो गलत है या फिर सही, जिस पर अंकिता बताती है कि रूल के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभिषेक ने जो कुछ भी किया है वो गलत है। और रूल बुक के हिसाब से अंकिता बता देती है कि अभिषेक की सजा ये है कि उन्हें घर से बाहर निकालना चाहिए तहलका की तरह। वेल, यहाँ पर बिग बॉस अंकिता की बात सुनने के बाद अंकिता को टॉन्ट मारते हुए कहते हैं कि वाह अंकिता, आपने इतनी जल्दी फैसला सुना दिया, अगर आपकी जगह मुनव्वर फारूकी होते तो वो वीकेंड के वार का आने का वेट करते अपना फैसला सुनाने के लिए, क्योंकि वो अपनी रिपोर्ट कार्ड देखते और उसके हिसाब से ही अपना फैसला लेते। वेल, अंकिता एक ही सेंटेंस में अभिषेक को घर से बाहर निकाल देती है, जबकि अभिषेक कह रहे होते हैं कि अंकिता को इस बारे में सोचना चाहिए। अब वही अभिषेक के घर से बाहर जाने के बाद आयशा फूट फूट कर अभिषेक के लिए रोती हुई नजर आती है। वही अंकिता लोखंडे भी अपने फैसले से खुश नजर नहीं आती और कह रही होती कि मैं अपने फैसले पर मुझे अफसोस नहीं है, लेकिन मेरी वजह से अभिषेक गया है और मेरा और उसका एक अनकहा बॉन्ड था, ये बात भी अंकिता कहती हुई नजर आई। वहीं विक्की भी अभिषेक के जाने से काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए नजर आते हैं और फूट फूट कर रो रहे होते हैं। वहीं मुनव्वर फारूकी भी कहते हुए नजर आते हैं उनके सारे दोस्त एक एक करके इस घर से जा रहे हैं। वेल, आपका बिग बॉस के अंकिता लोखंडे को मारे स्टॉन्ट पर क्या कुछ है कहना, हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।